लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के छठवें भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अब हम अपने पाठकों को फिर उस मैदान के बीच वाले अद्भुत मकान के पास ले चलते हैं जिसके अंदर इंद्रजीत सिंह, देवी सिंह, शेर सिंह और कमलिनी के सिपाही लोग जा फंसे थे, अर्थात कमंद के सहारे दीवार पर चढ़कर अंदर की तरफ झांकने के बाद हंसते हंसते उस मकान में कूद पड़े थे। हम लिखाए हैं कि जब वे लोग मकान के अंदर कूद गए तो ना मालूम क्या समझकर कमलिनी हंसी और अपनी अय्यारा तारा को साथ ले वहां से रवाना हो गई। तारा को साथ लिए और बातें करती हुई कमलिनी दक्षिण की तरफ रवाना हुई, जिधर का जंगल घना और सुहावना था। लगभग 2 कोस चले जाने के बाद जंगल बहुत ही रमणीक मिला, बल्कि यों कहना चाहिए कि जैसे जैसे वे दोनों बढ़ती जाती थी जंगल सुहावना और खुशबूदार जंगली फूलों की महक से बसा हुआ मिलता था। यहां तक कि दोनों एक ऐसे सुंदर चश्मे के किनारे पहुंची जिसका जल बिल्लौर की तरह साफ था और जिसके दोनों किनारों पर दूर दूर तक मौलसिरी के पेड़ लगे हुए थे। इस चश्मे का पाट 10 हाथ का होगा और गहराई 2 हाथ से ज्यादा न होगी। यहां की जमीन पथरीली और पहाड़ी थी। अब ये दोनों उस चश्मे के किनारे किनारे चलने लगी। ज्यों ज्यों आगे जाती थी जमीन ऊंची मिलती जाती थी, जिससे समझ लेना चाहिए कि ये मुकाम किसी पहाड़ी की तराई में है। लगभग 1/2 कोस जाने के बाद वे दोनों ऐसी जगह पहुंची जहां चश्मे के दोनों किनारे वाले मौलसिरी के पेड़ झुककर आपस में मिल गए थे और जिसके सबब से चश्मा अच्छी तरह से ढककर मुसाफिरों का दिल लुभा लेने वाली छटा दिखा रहा था। इस जगह चश्मे के किनारे एक छोटा सा चबूतरा था जिसकी ऊंचाई पुरसा भर से कम न होगी। चबूतरे पर एक छोटी सी पिंडी इस ढब से बनी हुई थी जिसे देखते ही लोगों को विश्वास हो जाए कि किसी साधु की समाधि है। इस ठिकाने पर पहुंचकर वे दोनों रुके और घोड़े से नीचे उतर पड़ी। तारा ने अपने घोड़े का असबाब नहीं उतारा, अर्थात उसे कसा कसाया छोड़ दिया, परंतु कमलिनी ने अपने घोड़े का 4 जामा उतार लिया और लगाम उतारकर घोड़े को यों ही छोड़ दिया। घोड़ा पहले तो चश्मे के किनारे आया और पानी पीने के बाद कुछ दूर जाकर सब्ज जमीन पर चरने और खुशी खुशी घूमने लगा। तारा ने भी अपने घोड़े को पानी पिलाया और बागडोर के सहारे एक पेड़ से बांध दिया। इसके बाद कमलिनी और तारा चश्मे के किनारे पत्थर की एक बड़ी सी चट्टान पर बैठ गई और यों बातचीत करने लगी। कमलिनी, अब इसी जगह से मैं तुमसे अलग हो जाऊंगी। तारा, अफसोस ये दुश्मनी अब हद से ज्यादा बढ़ चली। कमलिनी, फिर क्या किया जाए तू ही बता, इसमें मेरा क्या कसूर है। तारा, तुम्हें कोई भी दोषी नहीं ठहरा सकता, इसमें कोई संदेह नहीं कि महारानी अपने पैर में आप कुल्हाड़ी मार रही है। कमलिनी, हर एक लक्षण पर ध्यान देने से अब महारानी को भी निश्चय हुआ है कि ये ही दोनों भाई तिलिस्म के मालिक होंगे, पर उसके लिए जिद करना और उन दोनों की जान लेने का उद्योग करना भूल नहीं तो क्या है। तारा, बेशक भूल है और इसकी वो सजा पावेंगी। तुमने बहुत अच्छा किया कि उनका साथ छोड़ दिया। मुस्कुराकर, इसके बदले में जरूर तुम्हारी मुराद पूरी होगी। कमलिनी, ऊंची सांस लेकर, देखें क्या होता है। तारा, होना क्या है, क्या उनकी आंखों ने उनके दिल का हाल तुमसे नहीं कह दिया। कमलिनी, हाँ ठीक है, खैर इस समय तो उन पर भारी मुसीबत आ पड़ी है, जहां तक हो सके उन्हें जल्द बचाना चाहिए। तारा, मगर मुझे ताज्जुब मालूम होता है कि उनके छुड़ाने का कोई उद्योग किए बिना ही तुम यहां चली आई। कमलिनी, क्या तुझे मालूम नहीं कि नानक ने इसी ठिकाने मुझसे मिलने का वादा लिया है, उसने कहा था कि जब मिलना हो इसी ठिकाने आना। तारा, कुछ सोचकर, हाँ हाँ ठीक है, अब याद आया, तो क्या ये वही जगह है। कमलिनी, हाँ यही जगह है। तारा, मगर तुम तो इस तरह घोड़ा फेंके चली आई जैसे कई दफे आने जाने के कारण ये रास्ता तुम्हें बखूबी याद हो। कमलिनी, बेशक मैं यहां कई दफे आ चुकी हूं, बल्कि नानक को इस ठिकाने का पता पहले मैंने ही बताया था और यहां का कुछ भेद भी कहा था। तारा, अफसोस इस जगह का भेद तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं कहा। कमलिनी, यद्यपि तू अय्यारा है और मैं तुझे चाहती हूं, परंतु तिलिस्मी कायदे के मुताबिक मेरे भेदों को तू नहीं जान सकती। तारा, सो तो मैं जानती हूं, मगर अफसोस इस बात का है कि मुझसे तो तुमने छिपाया और नानक को यहां का भेद बता दिया। ना मालूम नानक की कौन सी बात पर तुम रीझ गई हो।
कमलनी, कुछ हंसकर और तारा के गाल पर धीरे से चपत मारकर, बदमाश कहीं की, मैं नानक पर क्यों रीझने लगी? तारा झुंझलाकर, तो फिर ऐसा क्यों किया? कमलनी, अरे उससे उस कोठरी की ताली जो लेनी है जिसमें खून से लिखी हुई किताब रखी है। तारा, तो फिर ताली लेने के पहले ही यहां का भेद उसे क्यों बता दिया? अगर वो ताली ना दे तब? कमलनी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भूतनाथ ने मेरी दिल जमाई कर दी है और वो भूतनाथ के कब्जे में है। हाँ हाँ वो मेरे कब्जे में है। उसी समय ये आवाज पेड़ों के झुरमुट में से जो कमलनी के पीछे की तरफ था आई और कमलनी ने फिर कर देखा तो भूतनाथ की सूरत दिखाई पड़ी। कमलनी, अजी आओ भूतनाथ, तुम कहाँ थे? मैं बड़ी देर से यहां बैठी हूं। नानक कहाँ है? भूतनाथ पास आकर, आ ही तो गए, हाथ का इशारा करके, वो देखो नानक भी आ रहा है। बात की बात में नानक भी वहां पहुंचा और कमलनी को सलाम करके खड़ा हो गया। कमलनी, कहो जी नानक प्रसाद, अब वादा पूरा करने में क्या देर है? नानक, कुछ देर नहीं, मैं तैयार हूं, परंतु आप भी अपना वादा पूरा कीजिए और समाधि पर हाथ रखकर कसम खाइए। कमलनी, हाँ लो मैं अपना वादा पूरा करती हूं। भूतनाथ, मेरा भी ध्यान रखना। कमलनी, अवश्य। कमलनी उठी और समाधि के पास जाकर खड़ी हो गई। पहले तो उसने समाधि के सामने अदब से सिर झुकाया और तब उस पर हाथ रखकर यों बोली, मैं उस महात्मा की समाधि पर हाथ रखकर कसम खाती हूं जो अपना सानी नहीं रखता था, हरेक शास्त्र का पूरा पंडित, पूरा योगी, भूत भविष्य और वर्तमान का हाल जानने वाला और ईश्वर का सच्चा भक्त था। यद्यपि ये उसकी समाधि है, परंतु मुझे विश्वास है कि योगीराज सजीव हैं और मेरी रक्षा का ध्यान उन्हें सदैव रहता है। हाथ जोड़कर, योगीराज से मैं प्रार्थना करती हूं कि मेरी प्रतिज्ञा को निभाए। समाधि पर हाथ रखकर, यदि नानक मुझे वो ताली दे देगा तो मैं उसके साथ कभी दगा ना करूंगी, उसे अपने भाई के समान मानूंगी और उसी काम में उद्योग करूंगी जिसमें उसकी खुशी हो। मैं उस आदमी के लिए भी कसम खाती हूं जिसने अपना नाम भूतनाथ रखा हुआ है, उसे मैं अपने सहोदर भाई के समान मानूंगी और जब तक वो मेरे साथ बुराई न करेगा मैं उसकी भलाई करती रहूंगी। इतना कहकर कमलिनी समाधि से अलग हो गई। नानक ने एक छोटी सी डिबिया कमलिनी के हाथ में दी और उसके पैरों पर गिर पड़ा। कमलिनी ने पीठ ठोक कर उसे उठाया और उस डिबिया को इज्जत के साथ सिर से लगाया। इसके बाद चारों आदमी फिर उस पत्थर की चट्टान पर आकर बैठ गए और बातचीत होने लगी। भूतनाथ कमलिनी से, जब आपने मुझे और नानक को अपने भाई के समान मान लिया तो मुझे जो कुछ आपसे कहना हो दिल खोल कर कह सकता हूं और जो कुछ मांगना हो मांग सकता हूं, चाहे आप दें अथवा ना दें। कमलनी मुस्कुराकर, हाँ हाँ जो कुछ कहना हो कहो और जो मांगना हो मांगो। भूतनाथ, इसमें कोई संदेह नहीं कि आपके पास एक से एक बढ़कर अनमोल चीजें होंगी, अस्तु मुझे और नानक को कोई ऐसी चीज दीजिए जो समय पर काम आए और दुश्मनों को धमकाने और उन पर फतह पाने के लिए बेनजीर हो। कमलनी, इसके कहने की तो कोई जरूरत ना थी, मैं स्वयं चाहती थी कि तुम दोनों को कोई अनमोल वस्तु दूं। खैर ठहरो, मैं अभी ला देती हूं। इतना कहकर कमलनी उठी और चश्मे के जल में कूद पड़ी। उस जगह जल बहुत गहरा था इसलिए मालूम न हुआ कि वो कहां चली गई। कमलनी के इस काम ने सभी को ताज्जुब में डाल दिया और तीनों आदमी टकटकी बांधकर उसी तरफ देखने लगे। आधे घंटे बाद कमलनी जल के बाहर निकली। उसके हाथ में एक छोटी सी कपड़े की गठरी और दूसरे हाथ में लोहे की जंजीर थी। यद्यपि कमलनी जल में से निकली थी और उसके कपड़े गीले हो रहे थे, तथापि उस कपड़े की गठरी पर जल ने कुछ भी असर न किया था जिसे कमलनी लाई थी। कमलनी ने कपड़े की गठरी पत्थर की चट्टान पर रख दी और लोहे की जंजीर भूतनाथ के हाथ में देकर बोली, इसे तुम दोनों आदमी मिलकर खींचो। उस जंजीर के साथ लोहे का एक छोटा सा मगर हल्का संदूक बंधा हुआ था जिसे भूतनाथ और नानक ने खींचकर बाहर निकाला। कमलनी ने एक खटका दबाकर संदूक खोला। इसके अंदर चार खंजर, एक नेजा और पांच अंगूठियां थीं। कमलिनी ने पहले एक अंगूठी निकाली और अपनी अंगुली में उसे पहन लिया। इसके बाद एक खंजर निकाला और उसे भी म्यान से बाहर कर तारा, भूतनाथ और नानक को दिखाकर बोली, देखो इस खंजर का लोहा कितना उम्दा है। भूतनाथ, बेशक बहुत उम्दा लोहा है। कमलनी, अब इसके गुण सुनो। ये खंजर जिस चीज पर पड़ेगा उसे दो टुकड़े कर देगा, चाहे वो चीज लोहा, पत्थर, अष्टधातु या
फौलादी हरबा क्यों ना हो। इसके अतिरिक्त जब इसका कब्जा दबाओगे तो इसमें बिजली की तरह चमक पैदा होगी। उस समय यदि 100 आदमी भी तुम्हें घेरे हुए खड़े होंगे तो चमक से सभी की आंखें बंद हो जाएंगी। यद्यपि इस समय दिन है और किसी तरह की चमक सूर्य का मुकाबला नहीं कर सकती, तथापि इसका मजा मैं तुम्हें दिखाती हूं। इतना कहकर कमली ने खंजर का कब्जा दबाया। यकायक इतनी ज्यादा चमक उसमें से पैदा हुई कि दिन का समय होने पर भी उन तीनों की आंखें बंद हो गईं। मालूम हुआ कि एक बिजली सी आंख के सामने चमक गई। कमलिनी, सिवाय इसके इस खंजर को जो कोई छुएगा या जिसके बदन से ये खंजर छुआ दोगे उसके खून में एक प्रकार की बिजली दौड़ जाएगी, वो तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ेगा। लो, इसे तुम लोग छूकर देखो, यही अद्भुत खंजर मैं तुम लोगों को दूंगी। कमलिनी ने खंजर भूतनाथ के आगे रख दिया। भूतनाथ ने उसे उठाना चाहा, मगर हाथ लगाने के साथ ही वो कांपा और बदहवास होकर जमीन पर गिर पड़ा। कमलिनी ने अपना दूसरा हाथ जिसमें अंगूठी थी उसके बदन पर फेरा, तब उसे होश आया। भूतनाथ, चीज तो बहुत अच्छी है मगर इसका छूना गजब है। कमलिनी, संदूक में से कई अंगूठियां निकालकर, पहले इन अंगूठियों को तुम लोग पहनो, तब इस खंजर को हाथ में ले सकोगे और तभी इसकी तेज चमक भी तुम्हारी आंखों पर अपना पूरा असर न कर सकेगी। अर्थात जो कोई मुकाबले में या तुम्हारे चारों तरफ होगा उसकी आंखें तो बंद हो जाएंगी मगर तुम्हारी आंखें खुली रहेंगी और तुम दुश्मनों को बखूबी मार सकोगे। इतना कहकर कमलिनी ने एक एक अंगूठी तीनों को पहना दी और इसके बाद एक एक खंजर तीनों के हवाले किया। तारा, भूतनाथ और नानक ऐसा अद्भुत खंजर पाकर हद से ज्यादा खुश हुए और घड़ी घड़ी उसका कब्जा दबाकर उसकी चमक का मजा लेते रहे। कमलिनी, अब एक खंजर और एक अंगूठी बच गई सो कुंवर इंद्रजीत सिंह के लिए अपने पास रखूंगी। जिस समय उनसे मुलाकात होगी उनके हवाले करूंगी और ये अंगूठी जो मेरी उंगली में है और ये नेजा जो अपने वास्ते लाई हूं, इसमें भी वही गुण हैं जो खंजर में है, मगर फर्क इतना है कि बनिस्पत खंजर के इस नेजे में बिजली का असर बहुत ज्यादा है। उस नेजे के चार टुकड़े थे जो पैंच पर चढ़कर एक कर दिए जाते थे। कमलिनी ने इन चारों टुकड़ों को एक कर दिया और अब वो पूरा नेजा हो गया। भूतनाथ, इसमें कोई संदेह नहीं कि आपने हम लोगों को अद्भुत और अनमोल चीज दी। इसकी बदौलत हम लोगों के हाथ से बड़े बड़े काम निकलेंगे। इसके बाद कमलिनी ने वो कपड़े की गठरी खोली। इसमें स्याह रंग की एक साड़ी, एक चोली और एक बोतल थी। कमलिनी उठकर समाधि के पीछे गई और गीले कपड़े उतारकर वही काली साड़ी और चोली पहनकर अपने ठिकाने आ बैठी। वो साड़ी और चोली रेशमी थी और उसमें एक प्रकार का रोगन चढ़ा हुआ था जिसके सबब उस कपड़े पर पानी का असर नहीं होता था। कमलिनी ने वो गीली साड़ी और चोली तारा के सामने रख दी और बोली, इसे तू पेड़ पर डाल दे जिसमें झटपट सूख जाए। इसके बाद तू कमलिनी बन जा, अर्थात मेरी तरह अपनी सूरत बना ले और इसी साड़ी और चोली को पहनकर मेरे घर अर्थात उस तालाब वाले कमरे में जाकर बैठ जिसमें नौकरों को मेरे गायब होने का हाल मालूम न हो। वे यही समझे कि तारा कहीं गई हुई है। तारा, बहुत अच्छा, मगर आप कहाँ जाएंगी? कमलिनी, मेरा कोई ठिकाना नहीं, मुझे बहुत काम करना है। भूतनाथ और नानक की तरफ देखकर, आप लोग भी जाइए और जहां तक हो सके राजा बीरेंद्र सिंह की भलाई का उद्योग कीजिए। नानक प्रसाद, बहुत अच्छा, हाथ जोड़कर, मेरी बात का जवाब दीजिए तो बड़ी कृपा होगी। कमलिनी, वो क्या? नानक प्रसाद, इस प्रकार का खंजर उन लोगों के पास भी है या नहीं? कमलिनी हंसकर, क्या उन लोगों के पास पुनः जाने की इच्छा है? अपनी रामभोली को देखना चाहता है। नानक प्रसाद, हाँ यदि मौका मिलेगा तो। कमलिनी, अच्छा जा, कोई हर्ज नहीं। इस प्रकार की कोई वस्तु उन लोगों के पास नहीं है और ना इसका पता ही उन्हें मिल सकता है, मगर जो कुछ करना होशियारी के साथ। इसके बाद कमलिनी ने वो बोतल खोली जो कपड़े की गठरी में थी। उसमें किसी प्रकार का अर्क था। समाधि के पीछे जाकर कमलिनी ने वो अर्क अपने तमाम बदन में लगाया जिससे बात की बात में उसका रंग बहुत ही काला हो गया। तब वो फिर तारा के पास आई और उससे दो लंबे बनावटी दांत लेकर अपने मुंह में लगाने के बाद नेजा हाथ में लेकर खड़ी हो गई। तारा ने भी अपनी सूरत बदली और कमलिनी बनकर तैयार हो गई। इस काम में भूतनाथ ने उसकी मदद की। कमलिनी के हुक्म से वो संदूक और जंजीर पानी में डाल दी गई। कमलिनी ने अपने घोड़े को आवाज दी। यद्यपि वो कुछ दूर पर चल रहा था परंतु मालिक की आवाज के साथ ही दौड़ता हुआ पास आ गया। तारा ने उसे पकड़ लिया और चार जामा कसकर उस पर सवार हो गई तथा कमलिनी तारा के घोड़े पर सवार हुई। अंत में चारों आदमी कुछ सलाह करके अलग हुए और चारों ने
अपना अपना रास्ता लिया, अर्थात उसी जगह से चारों आदमी जुदा हो गए। इस वारदात के कई दिन बाद कमलनी इसी राक्षसी वेश में नेजा लिए रोहतासगढ़ की पहाड़ी पर कब्रिस्तान में कमला से मिली थी। इसी ने राजा बीरेंद्र सिंह वगैरह को कैद से छुड़ाया और फिर भी कई दफे उनके काम आई थी, जिसका हाल पिछले बयानों में लिखा जा चुका है। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के छठवें भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।